ख्याल से सब बढ़िया है ना, तो बढ़िया रहना और नहीं बढ़िया तो क्या करना, बढ़िया का कोशिश करना। सो लॉकडाउन में आप लोग कैसे हो, होप करते हो सभी अच्छे ही हो गए। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन एंड प्रेस ऑल टू गेट ऑल नोटिफिकेशन फ्रॉम माय चैनल। लेट्स स्टार्ट। तो लॉकडाउन में एक चीज बढ़ गया है, वो है टेक्नोलॉजी का यूज, मतलब 30 से 60%, मतलब डबल हो गया है टेक्नोलॉजी का यूज। इसके चलते आप मतलब जो ऑफिस का काम होता है वो वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, और जो स्टूडेंट का क्लास वगैरह हो रहा है कॉलेज स्कूल का वो भी घर से ही हो रहा है। टीचर पढ़ रहा है और स्टूडेंट घर से, टीचर भी घर में उसका और स्टूडेंट भी घर में, मतलब रिमोटली सब काम हो रहा है। तो इसके चलते आप लोगों को मतलब डिवाइस का ज़रूरत होगा। तो मोबाइल ठीक है, बट मोबाइल छोटा स्क्रीन है, उसके लिए मतलब ऑफिस के काम जो होता है उसके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। छोटा स्क्रीन पीपीटी नहीं दे पाओगे आप प्रॉपर तरीके से, मतलब बहुत सारी दिक्कतें आती है। बट आप एक बड़ी स्क्रीन या लैपटॉप लेते हो तो बहुत ही ये सब काम आसान हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ लैपटॉप लेके आऊँ, एकदम बजट सेगमेंट में लैपटॉप, बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस के साथ आता है ये लैपटॉप। हमारे 5 लैपटॉप है, वो उसका जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को दे दूंगा मैं। इस लैपटॉप में हम बेसिक कुछ क्राइटेरिया रखा है, जैसे कि 4GB रैम होना चाहिए, 1TB हार्ड डिस्क होना ही चाहिए, और 8th जेनरेशन प्रोसेसर CPU होना ही चाहिए, i3 मतलब i3 होना ही चाहिए, और 40 इंच स्क्रीन और 4 से 5 आवर बैटरी बैकअप होना ही चाहिए। ये बेसिक क्राइटेरिया रखा है हम। ये सब लैपटॉप का जो प्राइस है लगभग 34 से 35 के बीच में ही है, मतलब उसके नीचे ही है। सो पांचवा नंबर पे आता है Asus Vivobook। ये आता है 31,850 रुपीज़, मतलब 32,000 के आसपास ही आता है। तो इसका जो डिस्प्ले है 15.6 FHD डिस्प्ले है, और ये 4GB रैम के साथ आता है, और 1TB हार्ड डिस्क है, और i3 8th जनरेशन प्रोसेसर है, और इसका मतलब बैटरी बैकअप 4 से 5 घंटे, तो अच्छी है। तो चौथे नंबर पे जो लैपटॉप है वो है Acer Aspire 5। तो ये भी एक कॉमन का लैपटॉप है, इसमें भी सेम स्पेसिफिकेशन है, मतलब 4GB रैम, 1TB हार्ड डिस्क, i3 8th जनरेशन प्रोसेसर इंटेल का, और डिस्प्ले जो है 15.6 इंच FHD स्क्रीन है, और ये इसका जो बड़ी बात है ये 8 आवर्स तक बैटरी बैकअप देता है। तो ये मतलब एक बार चार्ज करें सुबह और दिन भर इस्तेमाल करते रहिए। तो ये बहुत ही कमाल का लैपटॉप है, मतलब बैटरी बैकअप के थोड़ा सा ओवर प्राइस देना पड़ेगा, 34,000 रुपीज़। तो चलता है इस प्राइस में, बहुत ही कमाल का लैपटॉप है। तो थर्ड नंबर पे जो लैपटॉप आता है वो है Lenovo IdeaPad S145। ये भी कमाल का लैपटॉप है, मतलब पहले जो 2 लैपटॉप थे उसके तरह ये सेम स्पेसिफिकेशन है, मतलब i3 प्रोसेसर, 1TB हार्ड डिस्क, एंड मतलब 15.6 इंच FHD डिस्प्ले, और बैटरी इसका है 5 से 6 आवर बैकअप। तो इसका प्राइस लगभग है 31,000। सो सेकंड नंबर पे जो लैपटॉप है Dell Vostro 3490, इसका जो मॉडल नंबर है। तो ये भी एक कमाल का लैपटॉप है, बट ये इसका जो खासियत है ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है, मतलब 40 इंच इसका स्क्रीन के साथ FHD स्क्रीन है, बट 40 इंच स्क्रीन के साथ आता है। और ये बाकी जो लैपटॉप का स्पेसिफिकेशन है वही है, 1TB हार्ड डिस्क, i3 प्रोसेसर 8th जनरेशन, और 4GB रैम तो है, और ये 5 से 6 आवर का बैटरी लाइफ देता है, और इसका जो प्राइस है 30,500 रुपीज़ के आसपास। तो पहले नंबर पे जो लैपटॉप आता है वो है Asus X540UA। तो ये भी ये मतलब बहुत ही कमाल का, मतलब बहुत ही धांसू वाला परफॉर्मेंस का लैपटॉप है। इसका जो मतलब प्रोसेसर है i5 8th जनरेशन, तो बहुत ही कमाल का मतलब प्रोसेसर है, और बाद बाकी स्पेसिफिकेशन सेम है, 15.6 इंच का FHD स्क्रीन है, और 4GB रैम, 1TB हार्ड डिस्क है, और इसका जो प्राइस है 40,000 रुपीज़। सो कैसा लगा मेरा इंफॉर्मेटिव वीडियो? तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करना कमेंट सेक्शन में, जो भी मतलब लैपटॉप आपको कौन से वाला लैपटॉप पसंद है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन जो है लाल कलर का वो प्रेस कर देना, और उसके पास में जो मतलब बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना। और ऐसे कंटेंट एंजॉय करने के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर ही दीजिए और एक लाइक कर दीजिए वीडियो को। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।